बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमें सुबह से ईमेल मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर मुइज यूसुफ ने कोई लेटेस्ट ट्वीट किया है और उसमें कोई फ्लाइट्स का जिक्र है, तो हम आपको बताते चले कि उसका लेटेस्ट ट्वीट कल वाला ही है जिसमें की उन्होंने बताया था कि अब जो भी पैसेंजर है वो आएंगे एयरपोर्ट पे उतरेंगे और वो टेस्ट करवाने के बाद सीधा घर चले जाएंगे, उनको करंटीना में नहीं जाना होगा। अब आपका टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए आप घर जाएंगे। अब मैं आपको उनका ये ट्वीट दिखाता हूँ। एज सजेस्टेड बाय द पीएम यस्टरडे वी हैव बीन एबल टू फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ इनबाउंड पैसेंजर्स पर वीक थ्रू एक्सपेडिशन एक्सपेडिटिंग द टेस्टिंग प्रोसेस विद 20,000 पैसेंजर्स प्लान्ड फॉर एप्लीकेशन बाय द 10 जून अप फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 10,000 इन द प्रीवियस फेज। जी हाँ, इसमें ये बता रहे हैं कि पहले 10,000 लोग आ रहे थे, 10 दिनों में अब 20,000 लोग आ रहे हैं 10 दिनों में। और उसके रीजन यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इनको बोला है कि इस स्पीड को बढ़ाएं और उसके बाद उन्होंने बाउंड पैसेंजर्स के लिए जो नया वो दिया है एक प्रोसीजर, वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, यानी कि उन्होंने ये 23 घंटे पहले आपके सामने कहा है ये स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मींस के कल उन्होंने कहा, लेटेस्ट ट्वीट उनका कल का या आज का कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि पैसेंजर विल बी टेस्टेड ऑन अराइवल एंड सेंट होम फॉर सेल्फ आइसोलेशन। जैसे ही पैसेंजर आएंगे उनका टेस्ट होगा। टेस्ट वही है कि वो आपका स्वैब टेस्ट करेंगे, आपके गले में से या नोज में से वो एक टच करेंगे, जिस तरह के ईयरबड होता है उसको आप एंटर करते हैं, उसे वो टच करके तो वो बाहर निकाल लेते हैं। ब्लड टेस्ट नहीं ये लोग कर रहे हैं। और दे विल बी एडेड टू द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट विल बी एबल टू फॉलो अप टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर एंड द पब्लिक। उसके बाद आपको गवर्नमेंट से कॉल आ जाएगी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल नंबर से कॉल आ जाएगी कि आप ये ऐप है जिसका कि आपको कोड भेज दिया जाएगा आपके मोबाइल पे, उसको डाउनलोड कर लें। उससे ये होगा कि आपको आपकी लोकेशन का पता चलेगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो आपको बता देंगे कि अपने घर में क्वारंटाइन हो जाए। अब वो उससे आपको ट्रेस करेंगे कि आप कहीं सैर सपाटों पे तो नहीं निकल गए, बाजार तो नहीं जा रहे, शॉपिंग वगैरह पे तो नहीं निकले होंगे। और अगर आपका नेगेटिव आता है तो फिर भी आपको 14 दिन करंटीना होना है, उसके बाद आप फ्री हैं। देखिए पूरी जिंदगी पड़ी है, जान है तो जहान है, तो बस ये एक स्मार्ट लॉकडाउन एप्लीकेशन है जिसमें वो आपको ट्रेस कर लेंगे कि आप सैर सपाटे कर रहे हैं या आप घर में ही करंटीना है। तो एक अच्छा इकदाम है। देखिये पहले पूरी फ्लाइट का जो है वो करंटीना होती थी, पूरी फ्लाइट 300 बंदे आए फ्लाइट से उतरे, वो 300 के 300 बंदे चले गए। उन्होंने वहां पे 14 दिन खाना भी खाना है, रहना भी है, उनके और भी मसले मसाइल, रमजान था, तहरी उफ्तारी, बड़े रोने थे, बेडशीट गद्दे साफ पानी और ये वो, मतलब आप समझ सकते हैं 300 बंदों की अगर बारात ही आ जाए तो एक टाइम का खाना खिलाना पड़े तो आपको पता है कितना खर्चा आता है। तो फिर 14 दिन, फिर उसके बाद 7 दिन हुआ, फिर 4 दिन हुआ और फिर 48 घंटे हुआ। तो इतनी बड़ी बड़ी आप समझ लें पाकिस्तान में जो बराते आ रही थी खाने के लाने, एक ह्यूज एक्सपेंस था उनकी रिहाई, बिजली के खर्चे, सो मसले मसाइल थे। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया कि आप टेस्ट कराएं घर जाए और आपको वो रिजल्ट बता देंगे। 2 दिन बाद भैया आपका पॉजिटिव आया, आपका नेगेटिव आया। जिनका पॉजिटिव आया वो ख्याल करें अपनी फैमिली को बचाए, जिनका नेगेटिव आया वो भी ख्याल करें, 14 दिन के लिए वो अपने आप को बाउंड रखें। और उसके अलावा वो एक एप्लीकेशन का भी जिक्र करें। इसके अलावा उनका कोई ट्वीट नहीं है जिसमें उन्होंने फ्लाइट के बारे में कुछ कहा हो। जैसे इनका कोई लेटेस्ट ट्वीट आएगा भाई और दोस्तों हम फौरन आपको बता देंगे। और बाकी ओवरसीज से मुतालिक, फ्लाइट से मुतालिक, एयरपोर्ट से मुतालिक, वीजा पासपोर्ट से मुतालिक, फाइन जुर्मानों से मुतालिक, किसी भी तरह की ओवरसीज से रिलेटेड न्यूज अगर आपको सुननी हो, देखनी हो, उस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी हो तो उसके लिए आप एक्सपो न्यूज देख करिए। बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event, log on to exponews.com.pk.